मूवी इज़ वेरी नाइस. इट्स अ फर्स्ट टाइम पेयर टुगेदर विकी कौशल एंड सारा अली खान एंड दे आर पेयरिंग वेरी नाइसली एंड द स्टोरी इज ऑल्सो गुड. इट्स अ रोमांटिक कॉमेडी टाइप स्टोरी और उसमें दिखाया कि किस तरह से इट्स अ रियल बेस्ड स्टोरी दिखाई है मैरिड कपल्स की जो मतलब कैसे वो जीते हैं. मतलब प्यार भी दिखाया है, फाइटिंग दिखाई है, फिर डिवोर्स तक बन जाती है. डिवोर्स के बाद भी उनका प्यार जारी रहता है. तो वो सब दिखाया. मूवी का टाइटल कितना मैच कर रहा था? अगर मूवी का टाइटल भी थोड़ा कॉमेडी टाइप ही रखा है उन्होंने, जरा हट के जरा बच के. अगर कुछ ऐसी बात जो सीखनी है जैसी हो, क्या कुछ है इसमें? ये दिखाया ना मतलब कि एक एडजस्टमेंट तो होना ही चाहिए, तभी वो कपल्स आगे बढ़ सकते हैं. एडजस्टमेंट एंड बिलीव, ये बहुत अंडरस्टैंडिंग इज अ वेरी बिग थिंग. विकी कौशल एज अ हस्बैंड ऑन स्क्रीन कैसे लग रहे हैं? वेरी नाइस. नाउ उनकी वाइफ कैथरीन इज प्रेग्नेंट, आई प्रे गॉड ब्लेस हर. तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, नो डाउट. एज अ कॉमेडी सारा तो वैसे थोड़ी चुलबुली टाइप है, तो उसको एक कॉमेडी रोल सूट भी करता है. सीरियसनेस कॉमेडीनेस है उसमें, मतलब शी कैन. नहीं, मेरे को पूरा अच्छा लगा, ऐसा कुछ नहीं. क्लाइमैक्स भी अच्छा था, एंड नहीं बताऊंगी भी. डायरेक्शन वाइज कैसी लगी? डायरेक्शन भी अच्छा था, नो डाउट. मैंने जो डायरेक्टर उन्होंने जो मिमी बनाई थी, इट वाज आउटस्टैंडिंग मूवी. तो ये भी उनकी कोशिश अच्छी रही है. ओवरऑल मूवी को कितना स्टार दोगे? 4.5. बहुत अच्छी लगी, बहुत मज़ेदार मूवी है. आई वुड जेन्युइनली कम एंड वॉच इट अगेन. एंड फैमिली मूवी है, बहुत हंसी मजाक, गाने बहुत अच्छे हैं, वेरी एन्जॉयिंग. हाँ, उसका मॉरल काफ़ी अच्छा है एंड इट्स वेरी मॉरल बेस्ड. उसमें जो फैमिली के लिए वैल्यूज़ बताए वो बहुत अच्छे हैं. तो डेफिनेटली इट इज़ लाइक अ मूवी वर्थ वॉच. अमेजिंग अमेजिंग, लाइक एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन इट वॉज दे जस्ट फिट टुगेदर वेरी वेल. द ओवरऑल मूवी, फुल मूवी वॉज अमेजिंग. 5 out of 5. अच्छी है, कॉमेडी है, थ्रिलर है, ड्रामा है, रोमांस है, सब है. विकी कौशल की अच्छी थी, उसकी भी अच्छी थी. मूवी में एक ऐसी बात जो काफी पसंद आई होगी? मुझे तो लाइक लगा, रोमांस अच्छा लगा और कॉमेडी अच्छी लगी बस. फर्स्ट इंटरवल के पहले थोड़ा कॉमेडी ज़्यादा था तो थोड़ा अच्छा लगा, बाद में थोड़ा सा लाइक ड्रामा था, ऐसा ये था, और थोड़ा लाइक रोमांस मतलब बोलते ना लाइक थोड़ा रोना टाइप था ऐसा. लाइक अभी कैसे बताता था, 4 रेटिंग दे सर. थैंक यू. पिक्चर बहुत अच्छी बनी है भाई. कोई ऐसी बात जो काफी अच्छी लगी विकी है, सारा वो लोग की केमिस्ट्री कैसी लगी? सारा और विकी की केमिस्ट्री अच्छी है. पिक्चर मिडिल क्लास पर है और सच्चाई जो है अभी वो इसमें बताइए. मूवी में फर्स्ट हाफ कैसा लगा? फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा लगा, सेकेंड हाफ थोड़ा इमोशनल है लेकिन अच्छी है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया वो गाना, मजा आया. डायरेक्शन अच्छी है, डायरेक्शन अच्छी है. अगर कुछ सीखने जैसा हो मूवी में तो क्या कुछ है? सीखने का महत्व इसमें दिखाया है कि हम लोग घर घर के लिए पागल होते हैं, घर के लिए परिवार छोड़ देते हैं, लेकिन लास्ट में परिवार ही काम आता है, घर काम नहीं आता है. विकी कौशल की एक्टिंग में बहुत बहुत अच्छी है. विकी कौशल की एक्टिंग 5 में 4, सारा की भी 4, सारा ही बहुत बहुत अच्छी, बहुत अच्छी. वेरी गुड, वेरी गुड. 4 स्टार. मूवी ओवरऑल बहुत अच्छी है, वन टाइम वॉच है. थोड़ा सा ओवर द टॉप उनका एक्टिंग है, थोड़ा ओवर एक्टिंग हो जाता है, लेकिन वन टाइम वॉच एज अ फैमिली अच्छा है. मूवी का टाइटल काफी जरा आर्ट के जरा बाकी कितना शूट हो रहा था? देखिए, स्टोरी तो वही है, पहले भी बहुत बार स्टोरी में काफ़ी मूवी बन चुकी है, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट है, मॉडर्न ट्विस्ट है. अच्छी ओवरऑल एक्टिंग अच्छी है, लेकिन इंटरवल के बाद थोड़ा वही रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, इमोशनल रोना धोना फैमिली ड्रामा वगैरह है वो सब. फर्स्ट हाफ इज़ वेरी गुड, सेकेंड हाफ वही थोड़ा बोरिंग हो जाता है, वही नॉर्मल मतलब वही हस्बैंड वाइफ का फाइट बताया है,
तो ओके है. फर्स्ट हाफ यू कैन एंजॉय, सेकेंड हाफ डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, वही सेम रिपीटेड है बस. क्लाइमैक्स एक्सपेक्टेड था, ऐसे ही होएगा, कोई ना कोई बीमार पड़ेगा वैसे ही था, लेकिन गुड है, अच्छा है. विक्की और सारा में सबसे ज़्यादा एक्टिंग किसकी पसंद है? विक्की की अच्छी है. सारा की अगर नहीं, दोनों की केमिस्ट्री अच्छी नहीं है. मतलब स्क्रीन पे ऐसा भाई बहन टाइप फीलिंग आ रही थी, हीरो हीरोइन टाइप नहीं आ रही थी. डायरेक्शन ओके है. ओवरऑल मूवी को कितना स्टार? मैं 5 में से 3 देना चाहूँगी. अगर कुछ ऐसी बात जो आपने सीखी हो मूवी से तो क्या होगी? ऐसा तो कुछ नहीं है स्पेशल, लेकिन वो फैमिली बॉन्ड, एक दूसरे को यू नो फैमिली बॉन्ड जो होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो ओपन रिलेशन होना चाहिए बस, और कुछ नहीं. पिक्चर का जो टाइटल है जरा हटके जरा बचके, टाइटल भी जरा हटके जरा बचके ही है, और स्टोरी जो है मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर है. जी सर, कैसी लगी मूवी? मूवी अच्छी है. मेरा नाम मधुसूदन देसाई है और पिक्चर है का नाम है जरा हटके जरा बचके, और पिक्चर भी जरा हटके जरा बचके ही है. टाइटल शूट कर रहा था पिक्चर? हाँ, टाइटल शूट कर रहा था. मिडिल क्लास फैमिली की स्टोरी है. वो घर खरीदने जाते हैं तो क्या क्या पापड़ मेलने पड़ते हैं. किस तरह से स्टोरी लगी आपको, पहले हाफ और सेकंड हाफ? सेकंड हाफ बेटर है फर्स्ट हाफ से, और मिडिल क्लास फैमिली को टच ही है एकदम. कोई ऐसी बात जो काफी दिल को छू गई और सीखने जैसी हो, हम जैसे यंगस्टर्स को ये मूवी से क्या कुछ सीखने की मिली? सीखने को ये मिलता है कि ये जब भी घर खरीदने के लिए अपने जो रिलेशन जो है बिगाड़ना नहीं चाहिए. हाँ, सारा अली खान और विक्की कौशल की केमिस्ट्री कैसी लगी? अच्छी है, केमिस्ट्री अच्छी लगी, बॉन्डिंग भी उसका अच्छा है, जैसा लगता है रियल में हस्बैंड वाइफ है. हाँ, ऐसा ही अच्छा है. मूवी के गाने कैसे लगे? मूवी का पहला एक गाना है बहुत अच्छा है. कौन सा वाला? मुझे अभी वो याद नहीं आ रहा है. बिल्कुल ओवरऑल मूवी को कितने स्टार देते हैं? 3. उसमें बॉलीवुड तड़का नहीं है तो पिक्चर में थोड़ा वो आएगा. कुछ मिसिंग था मूवी में? वो जो कॉमेडी तो है उसमें, फुल कॉमेडी, सब कॉमेडियंस भी बहुत है उसमें, लेकिन जो बॉलीवुड तड़का रहता है डांस वगैरह जो है बॉलीवुड, जो तीखा मीठा से मसाला डालते हैं, वो उसमें नहीं है पिक्चर में. तो इसके लिए थोड़ा पिक्चर को रेटिंग कम हो जाती है, देखने वाले भी कम आते हैं इसके लिए, लेकिन वन टाइम वॉच है. विक्की कौशल की एक्टिंग अच्छी है. ऐसा दोनों की अच्छी है. और मूवी को 5 में से मैं 3 दूंगा इसको. ओके, सो हाउ वाज द मूवी? मैंने मूवी देखी जरा हटके जरा बचके, और काफ़ी सारी पुरानी मूवीज़ के फ्लैशेस मेरी आंखों के सामने आ गए, और बहुत ही रियलिस्टिक है, बहुत ही रिलेटेबल है, क्योंकि जो इसके डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि रियल लाइफ स्टोरी चल रही है आपके आँखों के सामने. तो मुझे मूवी बहुत पसंद आई, और जो जैसे मैंने कहा कि बहुत रियलिस्टिक सेटअप लगता है, तो आई थिंक इंदौर में ये शूट की गई है, और जो भी इसकी सिनेमेटोग्राफर राघव रामादास, उन्होंने वही रियल लाइफ सेटिंग्स रखी हैं, किस तरह मिडिल क्लास वैल्यूज़, किस तरह लोग संघर्ष करते हैं, वो बहुत अच्छा दिखाया गया है. और साथ में एडिटिंग बिल्कुल एप्ट है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं भी स्ट्रेच नहीं किया. 2.25 घंटे की मूवी है, तो मनीष प्रधान की एडिटिंग भी बहुत बढ़िया है, और राघव रामादास की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, लक्ष्मण उत्तेकर का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, एंड इट इज़ अ वन टाइम वॉच, मतलब टाइम पास मूवी, आप कहीं बोर नहीं होंगे, कब खत्म होगी कब शुरू होगी पता नहीं चलेगा. विक्की और सारा एज अ कपल ऑन स्क्रीन कैसा लगा? बहुत अच्छी केमिस्ट्री है दोनों की. कहाँ कहीं कहीं मुझे लगा थोड़ा ओवर द टॉप है, बट ठीक है, दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, और बहुत मतलब अच्छा, मतलब कैमेड्री है दोनों के बीच में, और मुझे पसंद आया दोनों के रोल्स. जो वो मिडिल क्लास वैल्यूज़ दिखाई गई हैं वो बहुत अच्छा है, हर मिडिल क्लास वाला बंदा वो रिलेट कर पाएगा. तो वो संघर्षों को दिखाया गया है और बहुत अच्छे से कहानी को पिरोया गया है. तो वही उसमें सपोर्टिंग कास्ट भी बहुत अच्छी है, सुष्मिता मुखर्जी है, राकेश बेदी हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं. सॉन्ग एक है जो काफ़ी चल रहा है. हाँ, मुझे सभी सॉन्ग्स अच्छे लगे. एक तेरे वास्ते बहुत अच्छा लगा. हाँ, सचिन जिगर का म्यूज़िक अच्छा है, बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा है. बट ओवरऑल अगर आप पूछे तो मैं मूवी को 3 स्टार्स दूंगा. मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट था, इसको और भी ज़्यादा एंगेजिंग बनाया जा सकता था, बट इट इज़ डेफिनेटली वन टाइम वॉच.